पूजा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक नंबर। अब लगीत बाबा, जय जय श्री राम। हाँ बाबा, तू नाम का है जी? डोंगरू यादव। हाँ, अभी चुनाव ये कुछ दिन बचे जी, माहौल का है? हाँ, जय जय श्री राम, जय हो। हाँ, चुनावी माहौल जाने बना है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। काका हेड भरोसा है कहाँ से? हाँ, बात बात बात। जय जय विजय शर्मा, जय हो। हम 160 फीट के झंडा गड़िया हैं। अच्छा, 160 फीट के झंडा गड़िया हैं झाटी में। हाँ, ऐसे यही में। हाँ, हाँ। लोहारा नाका में। अच्छा। 160 फीट। हाँ, इतना कलच निकाले हैं, इतना कलच निकाले। ओला जीताना है। कौन जीताना है? विजय शर्मा। अच्छा। हाँ, विजय शर्मा। हाँ, बिल्कुल जीताना है। तो वो कहा जी, देखो का जमना जब तो जी कहा थे विजय शर्मा। नहीं नहीं नहीं, हम वही जीत देने हैं भैया। काका है भरोसा है कि? हाँ हाँ हाँ, बात बात बात, विजय शर्मा देखाना है। किसान मन के सरकार कहा थे? हाँ, आज हमारे उत्तर प्रदेश। हाँ। उत्तर प्रदेश वो मोहा काक थे बोले ना, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ हमारे आज सरकार है। अच्छा। हाँ, अभी रैली निकाल ही देखू। हाँ, बता देता हूँ। अच्छा, तो हाँ देखे, हाँ हो देखे ला। चलो चलो, क्या नाम है तो भाई? इरफान अहमद। हाँ, तो क्या लग रहा है भाई माहौल अभी? माहौल तो कांग्रेस लग रहा है। हाँ हाँ, फिर भी सर जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है, योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, वो अपना बयान देने के लिए आ रहे हैं भाजपा के प्रति। अच्छा, लेकिन लोगों के भी मानसिकता तो, जो लोग तो काम देख रहे हैं ना। हाँ, काम कौन किया है? हाँ, हाँ। तो सरकार तो काम तो दिख रहा है, कौन था में क्या क्या काम हुआ है। जी जी। तो भले कोई भी है, आदित्यनाथ है, मोदी है, योगी है, कोई भी है। हाँ, हाँ। लोगों के मानसिक में है कांग्रेस। अच्छा, फिर भी जिस हिसाब से अकबर जी इतने कई हजारों वोट से जीत के आए थे, पूरे विधानसभा उनका नाम चर्चा था, सबसे अधिक वोट से जीत के आने में, तो आने के बाद ऐसा क्या विकास किया आपके यहाँ कवर्धा में? बहुत सारे विकास किए हैं 15 साल में। जो रमन सरकार ने पुल नहीं बनाया। हाँ। कांग्रेस के अकबर के आने से पुल बनाया। हाँ, हाँ। और महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी का वेतन बढ़ाया। हाँ, हाँ। और कर्जा माफी किया। जी जी। और क्या बोलते हैं अपना पर्यावरण के लिए, यहाँ 72 करोड़ रुपए का उन्होंने बहुत सारा वो किया है पेड़ पौधों के लिए। हाँ, हाँ। बहुत सारे विकास के मोहम्मद अकबर जी के आने से। कितना वोट से जीतेंगे ऐसे कुछ लगता है? फिर रिकॉर्ड तोड़ेंगे अपना कुछ? रिकॉर्ड तो टूटेगा, रिकॉर्ड टूटेगा, रिकॉर्ड पहला रिकॉर्ड था वो टूटेगा इस बार, वो रिकॉर्ड टूटेगा। तो भैया, अभी कुछ ही दिन बचे चुनाव और आप देख रहे हो अभी पूरे 90 विधानसभा में कवर्धा विधानसभा सबसे चर्चा में रहता है। तो आप मन यहाँ का लोकल ही क्यों भैया? मरपा क्यों भैया? मरपा। अच्छा, ये कहाँ? यही कवर्धा में, ये देख खुटू निवारी के पास। हाँ हाँ, तो अभी क्या लग रहा है भैया माहौल अभी इस बार? नहीं, वही चीज पूछ रहे हैं, अब जो है निगेटिव पॉजिटिव। मैं भी अकबर वाले हैं। अकबर वाले कांग्रेस से? हाँ हाँ, कांग्रेस से अलग। हाँ, मोर गाँव से भी लीड कर रहे थे। अच्छा, अब तो गाँव तो अभी जैसे जिन हिसाब से पिछले बार रिकॉर्ड तोड़े रही थे पूरा 90 विधानसभा में, इधर भी रिकॉर्ड टिका रही थे, रही बरकरार है, बरकरार रही। हाँ, और बाकी यहाँ कवर्धा, यहाँ देखा जी सामने ना पूरा एकदम कचरा इसे दिखा दे एकदम। और आज चुनाव समय है रे, कवरेज कर दो कैमरामैन हाथ दे, देखा था पूरा कचरा मल रहा। तो अभी जिस हिसाब से आज योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, कुछ माहौल चेंजेस नहीं दिख रहा है मेरे को? है? मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, तो जोर से बोलना भैया, खाया नहीं है इसका? अरे ऐ देख भाई सामने। मैं ग्राम मरपा, मरपा गांव के। तो अभी क्या लगा था माहौल जी? माहौल तो विजय भैया के भी ठीक ठाक है। हाँ हाँ, इधर भयानक टक्कर कहा थे मंत्री भी। हाँ, टक्कर काटक टक्कर रहेगा भैया, भरोसा वाली बात शायद नहीं चला था अभी। अभी भैया जी की कवर्धम बहुत माहौल चला था। हाँ हाँ। अच्छा, अभी क्या लगा था माहौल? माहौल तो बढ़िया ठीक ठाक है। हाँ, कई दिन, दो दिन बचे, योगी आदित्यनाथ जी आवत है। हाँ, महारैली हरे। हाँ, तो इधर काका है भरोसा चली नहीं चली? इधर काखर वाले है, काका है भरोसा है कांग्रेस के सबके चला था भाई। अब बोला कोनो मतदाता वाला कोनो नहीं जाने। हाँ हाँ, तो मतदाता ऐसे है। हाँ, के कौन कौन ला दे दी, कौन कौन ला दे दी, ला कोई नहीं जान सके। अच्छा, कैसे का भैया? हाँ हाँ, चलो भैया अपन ला नमस्कार है। नमस्कार, अपन कौन गाँव भैया? मैं यही है, क्यों नीचे लोकल ही क्या? हाँ, तो लोकल हो भैया, आप देख रहे हो यहाँ माहौल जिन हिसाब से 90 विधानसभा का वर्धा सबसे फेमस में चले थे। हाँ। तो आज क्या लगा थे भैया माहौल देखते हुए? देखो, दोनों प्रत्याशी कोई कम नहीं है। हाँ हाँ, है ना, दोनों प्रत्याशी
कोयला कम नहीं आके जा सके। हाँ हाँ। अब रही बात माहौल के है। हाँ। तो माहौल तो गर्म है। हाँ। बाकी ये आकड़न लगाया के कोई विषय नहीं है, दोनों बहुत ही खतरनाक सिचुएशन यहाँ कवर्धा विधानसभा के चलत है। तो जिन हिसाब से अकबर जी मंत्री जी है जो एकदम ऐतिहासिक ओर से जीत आड़ी से वो वाले रिकॉर्ड जरी कायम ही नहीं रही, वो तो भाजपा के 15 साल के घोटाला के कारण वह अचानक भयानक दांव फेंक दे रही तो कांग्रेस सरकार आ गई से। अगर भाजपा सही साठ काम करे रही थी 15 साल में तो कांग्रेस के पत्ती साफ रही से और ओखर मौका के फायदा किसान मतलब बिल्कुल कांग्रेस आई तो कुछ राहत दी से। एमे कोखरो बुराई कोखरो बड़ाई वाले काम नहीं है। तो 15 साल में जिन घोटाला हुई से ओकर हिसाब से फिर किसान मन चाही से कि कोई दूसरा सत्ता आ जाए। हाँ हाँ। तो चेंज करना भी जरूरी रही से। हाँ। अब चेंज भी हो गए। हाँ। अब ये 15 साल में जतका घोटाला वो नहीं करे रही से। हाँ। ओखर से ज़्यादा अत्याचार कांग्रेस भी करत है। हाँ हाँ। हमला कोनो तीसरा पार्टी के भी जरूरत है। अच्छा। काबर कि जब तक हम यहाँ परिवर्तन हर 5 साल में नहीं करबो तब तक ये घोटालाबाजी बंद नहीं हो सके। अच्छा। हाँ बिल्कुल चेंज करे के जरूरत है। हाँ हाँ। लेकिन स्थिति ऐसे है कि तीसरा ऑप्शन कोई दिखत नहीं दिखत तीसरा ऑप्शन में दिखत रही कुछ दिन बाद हुआ चली आम आदमी पार्टी के। हाँ हाँ। अब आम आदमी पार्टी भी के समझ में नहीं आते कोई प्रकार के ओखर विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँ। हाँ हाँ। बाकी आम आदमी पार्टी बेस्ट ऑप्शन रही से। हाँ हाँ। ये 2023 में बहुत बेस्ट ऑप्शन राजा जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए माहौल देखो राजा जी तो करे है बहुत बढ़िया है। हाँ। अच्छा प्रत्याशी भी है दमदार भी है। हाँ। और काम भी चलत है लेकिन कहीं ना कहीं मोला थोड़ा से पिछड़े नजर आते। अच्छा मतलब वो हिसाब से सैलाब। हाँ, जिन हिसाब से कांग्रेस और भाजपा चलत ना। हाँ, हाँ, ओखर हिसाब से मोला पिछड़े नजर आते। हाँ, हाँ, दम खम नहीं लगाते। चौथा भी उमड़े है जनता जोगी कांग्रेस। देखो जोगी कांग्रेस तो ऐसे है कि अजीत जोगी माननीय अजीत जोगी बहुत ही अच्छा मुख्यमंत्री रही से। हाँ, अब वो जब तक रही से तब तक बहुत कुछ चलत रही से लेकिन अब लोगन के नजरिया ऐसे होगी कि वो कमजोर में आकत है। ओखर बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँ। जी जी तो क्या है आपका शुभ नाम जान सकते भाई जान? नसीरुद्दीन। जी जी तो अभी जिस हिसाब से माहौल है कुछ ही दिन बची है और कवर्धा जो है पूरे 90 विधानसभा में चर्चा में रहता है तो अभी क्या लग रहा है माहौल देखते हुए? माहौल में क्या लग रहा है मतलब अब चुनाव प्रचार चल रहा है। जी जी वही जानना चाह रहा हूँ। हाँ। इस बार का माहौल जैसा अकबर जी रिकॉर्ड तोड़ से जीत के आए थे इस बार क्या लग रहा है? हो सकता है फिर आ जाए माहौल देख के। हाँ हाँ। जी हाँ ऐसा क्या विकास था फिर से चुन के आ रहे हैं मान लो जैसे चुन के आते हैं ऐसा क्या विकास किया? एक बात मैं एक बोल बात कहना चाहूँगा आपसे भाई जी। हाँ हाँ हाँ। कितने सालों का नेतागिरी किसको अब नेतागिरी चलते हुए भारत में अब जब से भैया हम लोग जन्म ले लिए तब से भाई तो अब जाहिर सी बात है। हाँ हाँ। लोग जनता देख रहे हैं गाँव वालों की दशा को कोई पूछने वाला ही नहीं है। गाँव वाले में देखे हो वहाँ की दशा। हाँ हाँ। हम जाते थे हम जानते हैं। जी 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 हाँ अब वो मुसलमान है। हाँ हाँ। अब वो क्या करेगा उसको बहुत से काम है उसे सिर्फ नेतागिरी नहीं है। हाँ हाँ। और नेतागिरी में एक बात बताइए क्या वो अकेले रहते हैं परिवार रहते हैं उसमें सब परिवार सब। हाँ। नहीं भाई। हाँ। जनता को तो जवाब दे सकेगा। हाँ। जिसकी जवाबदारी ले सकेगा वो जीतेगा। जी 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 और विकास को लेकर क्या कवर्धा जी से आप सब देख रहे हैं ऐसा उनके आने के बाद क्या चेंजेस आया? चेंज हुआ है ना वो है क्या चीजों का चेंज हुआ है कुछ बता सकते हैं जैसे क्या चेंज हुआ जिसे आप देख रहे हैं कि हम क्या निकल गर्जा माफ हुआ है। हाँ हाँ। सड़क बनी है। जी जी तो दे दिया पुस्तक में लिख के। हाँ हाँ। ये पढ़ रहे थे उसको। हाँ हाँ। नरेंद्र मोदी जी का भी दिए हैं। हाँ हाँ। जी हाँ जी 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 भी आपका शुभ नाम जाना चाहूँगा भाई जान। इमरान खान। इमरान खान जी आप किस रूप में देख रहे हैं अभी का इस बार का चुनावी माहौल? जी जैसे अकबर जी तो रिकॉर्ड तोड़ से जीत के आए हुए थे। हाँ हाँ। है ना अब उनके आने के बाद 15 साल से रमन सिंह का सरकार था। हाँ हाँ। भारी मतों से जीत के आए जी कहीं कहीं बीजेपी की जो काम थी जी। जो लोग कार्यशैली को नहीं देख पाए जी। कमी नजर आई घोषणा पत्र जो दिए थे वो नहीं कर पाए इसका रिकॉर्ड तोड़ से हार भी हुई। हाँ हाँ जी हार होने के बाद मंत्री जी चुन के आए हैं उनके बाद फिर आप क्या देख रहे हैं अभी के माहौल के हिसाब से? तो दोनों पार्टी अपना अपना जोर लगा रही है। हाँ हाँ। और सत्ते के हिसाब से जो अच्छा काम करेगा और जनता जिसको चाहेगी जी वो जी। हिसाब से वो लोग कोई में से कि नहीं जीतेगा। हाँ हाँ। जी 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 अभी जैसे कि यहाँ पे दोनों पक्ष में हिंदू मुस्लिम का बहुत विवादित था। हाँ हाँ। है ना पूरे मतलब बोलोगे तो पूरे विधानसभा चर्चित था माहौल। हाँ हाँ। उस विवादित भावना को देखते हुए अभी अब देखेंगे सबसे ज्यादा यही आक्रोश की भावना थी। हाँ थी ना थी है ना 300 कर्फ्यू की माहौल थी। अब उसको कैसे रूप में देखते हैं अभी?
अभी लोगों का मानसिकता बस चेंज हुआ है और कुछ नहीं है जी जी। ये चार दिन का रहता है मानसिकता जो है और समय के हिसाब से सब परिवर्तन हो जाता है जी 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 जी। प्रशासन में कुछ कमी नजर जैसे नहीं कमी ऐसा कुछ तो नजर नहीं आ रहा है अपने अपने तरफ से। जब जिस समय दंगा वगैरह हुआ था उसी समय का थोड़ा सा दोनों तरफ से दोनों पार्टियों पर कड़ाई करते तो आज ये नौबत नहीं आता जी। तो कहीं कहीं पुलिस प्रशासन की कमी है जी। हाँ पुलिस प्रशासन की कमी थी ये सब चीज का। और अपन मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं जैसे अब अभी क्या है बताते हैं कि सरकार सिर्फ किसानों की है क्या किसानों वस्तु नहीं है। नहीं नहीं किसान बस नहीं व्यापार भी है उद्योग वाले भी हैं मजदूर भी है कर्मचारी है तो सरकार को तो सभी को देखना चाहिए। हाँ सबको एक साथ मिला जुला के चलना चाहिए और भाईचारे से मोहब्बत से सब अपने अमन शांति से लोग जिए खाए और मिलजुल कर रहे चाहे कोई भी सा पार्टी आए चाहे कांग्रेस आए चाहे भाजपा आए किसी में भेदभाव ना रहे जी। सरकार को क्या क्या बोलना चाहेंगे व्यापारियों के लिए कुछ अभी कुछ घोषणा कुछ व्यापारियों के लिए भी व्यापारी का बोलो क्या है किसानी बस पूरी सरकार बनाते हैं जी। और भी तो लोग हैं आप भी कुछ अलग व्यापारी कर रहे होंगे हम भी कुछ अलग काम कर रहे हैं चाय वाले भाई लोग हैं हर लोग को कुछ पैसे जरूरत पड़ती है लोगों के कर्जा तो क्या इन लोगों के लिए कुछ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जी हाँ होना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए जैसे कि जो छोटे व्यापारी है इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे ताकि सरकार तक भी बात पहुँचे। तो देखिए शासन का काम इन लोगों को वो करना थोड़ी है जो शासन का नियम है उसको चलाना है। यहाँ चार धर्म है हिंदुस्तान में आप जानते हो जी जी। तो अपना अपना धर्म भी तो आते हैं उनको बारे में भी उनको करना चाहिए। देखिए नेतागिरी में आपको पूरी काम करना है ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बांट दिए हो गया पाँच साल में एक बार है ना भाई कई चीज है सर्वे करने को है ना सर। चलो ठीक है थैंक यू।